एवरीवन वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको मेरी आवाज से ही लग रहा होगा कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, बिल्कुल हूँ, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। हर किसी की लाइफ ना जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, कुछ लोग बाहर से जो दिखते हैं वो होते नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बाहर से हंसता मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। सो गुड मॉर्निंग सभी को, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 का टाइम हो रहा है और अभी को मैंने सुला दिया, अभी सो रहा है रूम के अंदर और मेरी पूजा हो गई है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, वहाँ बैठी हैं मेरी माता रानी। इनको मैंने यहाँ पर इसलिए बिठाया क्योंकि कहते हैं कि मंदिर के अंदर ज़्यादा बड़ी मूर्ति या तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। और ये हो गई है मेरी पूजा यहाँ पर। मेरे पास कोई मंदिर नहीं है इसलिए मैंने इनको यहाँ पर बिठाया हुआ है। और बाहर का मौसम बताऊँ तो गाइस बारिश शुरू हो गई है, ये देखो बहुत अच्छी सी बारिश शुरू हो गई है, घटा हो रखी थी। सुबह में लग रहा था कि धूप निकलेगी और अब चलते हैं किचन में। तो किचन मेरी देखो यूँ फैली हुई है क्योंकि मैंने लंच प्रिपेयर किया था, सब लोगों को भेजा है। हरी और उसके पापा के लिए मैंने लंच बनाया था तो मेरी किचन जो है फैल गई थी। कान्हा जी को भी नाश्ता दे दिया है और बस मैं आप लोगों से अब बैठ गई। मन था मेरा कि मैं बातें करूं तो, लेकिन मेरा ना क्या हुआ कि वो जो स्टिक था जिससे मैं व्लॉग बनाती थी वो मिल नहीं रहा, कहीं बच्चे ने कहीं फेंक दिया बच्चों ने, तो वो ढूंढ रही थी मैं। और मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है, गला कान नाक में थोड़ा सा असर है क्योंकि कहीं घूमने जाते हैं ना तो गर्मी से, मैं ठंडा पानी पीने से नुकसान होता है। अभी को घमोरी हो गई है क्योंकि गर्मी में रहता नहीं है तो उसको एक दिन के ट्रैवल में भी उसको मतलब घमोरी हो गई। वैसे तो गाड़ियों में सबकी में ऐसी था जो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको घमोरियाँ हो गई हैं। सो गाइस परी आ गई थी स्कूल से तो मुझे ना अपने वो कपड़े धोने थे क्योंकि मैंने ना एक वो कर रखा था कि मशीन से कपड़े धोए थे और मैं उनको मशीन से ड्रायर से निकालना भूल गई थी तो वो ना ऐसे हो गए थे कि वो प्रेस से भी सीधे नहीं हो रहे थे। ये है वो वाला सूट और ये सूट मुझे इतना पसंद है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मन से मैंने ये सूट लिया था और अच्छा स्टिच भी अच्छे से कराया था तो इसको मैं यहाँ पर ईजी से धो रही हूँ। मैंने ईजी डालकर थोड़ा सा ही धोना है, धुले हुए तो है लेकिन बस ये है कि जब इनको मैं दोबारा से धोने के सूखने के बाद जल्दी ही करूँगी तो प्रेस कर लूँगी। कॉटन के कपड़ों में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े। और परी आ गई थी स्कूल से तो मैंने सोचा कि उसकी ड्रेस को भी साथ के साथ हाथ से धो देती हूँ क्योंकि कल ट्यूज़डे है, कल फिर उसको सेम ड्रेस पहननी है। और सच बताऊँ तो गाइस मेरी बेटी के पास ना ये एक ही पेयर है, सेकेंड पेयर नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जो अपने बच्चों को कोई भी चीज़ डबल डबल नहीं दिला पाते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली में ना अपनी चीज़ों को मैनेज ऐसे ही करना पड़ता है। और मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ये मुझे कोई घमंड नहीं है और कोई शर्मिंदगी भी नहीं है इस चीज़ में कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ और हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ जाता है तो ये है। और ये ड्रेस मैं धो रही हूँ परी की हाथ से, उसके साथ मुझे एक दो कपड़े मेरे मिल गए और एक दो टी शर्ट पर अभी की भी थी क्योंकि मैंने उसे सुबह नहला दिया था। कपड़े धोने के लिए नहीं थे इतने ज़्यादा तो मैंने इसलिए मशीन नहीं लगाई क्योंकि मैंने कल रात ही मशीन लगाई थी। और परी के डैडी की ड्रेस मैंने उसी से धो दी थी तो अब मैं इनको धो लेती हूँ और ड्रायर करके फिर सुखा दूँगी।
सच बताऊँ तो गाइज मुझे हाथ से कपड़े ही ज़्यादा धुले हुए पसंद आते हैं, मुझे मशीन के धुले हुए पसंद नहीं आते, और इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक वाली मशीन भी नहीं ले रखी है क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं आती है। और बाथरूम की क्लीनिंग भी अभी मेरी बाकी है, मैंने टॉयलेट क्लीनर्स बाथरूम क्लीनर्स मंगा के रखे हुए हैं। और यहाँ हाथ से कपड़े ना जब धोते हैं तो उसको कई बार हम खंगालते हैं मशीन में, कम वो इतना अच्छा नहीं होता और पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये ना एक जब भी मैं अभी को पर ज़्यादा नहीं पहनाती हूँ क्योंकि उसको रैशेज हो जाते हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो एक मेरे पास ना 2-3 बेडशीट मैंने रखी हुई हैं जिनको मैं अभी के जब अभी सोता है तो फुला के रखती हूँ। तो अभी भी देख लो कैसी मस्ती कर रही है। और उसके बाद मैं कपड़े यहाँ पर कंगाल ले रही हूँ। और मेरे मैं ना जब भी हाथ से कपड़े धोती हूँ गाइज मेरे कपड़े बहुत भीग जाते हैं। और मैं ये कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालांकि हाथ से कपड़ा धोना अच्छा रहता है लेकिन हर रोज़ ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तो अभी सोया हुआ है, अगर वो जगा हुआ होता तो यहीं बाथरूम में आकर खड़ा हो जाता और मुझे परेशान करता रहता है, खुद भी भीगता है और मुझे भी भिगा देता है। और गाइस कपड़े खंगालने के बाद मैं बाथरूम को साग के साथ धो दूंगी क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है ना तो हल्का सा पीलापन सा जम जाता है, काई रहती है। मंथली सफाई तो होती रहती है लेकिन उसके साथ साथ जब भी मैं कपड़े धोती हूँ या फिर मैं नहाती हूँ तो अपने बाथरूम को तुरंत साग के साथ ही मतलब साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ और उसके जो भी सामान मुझे रखना होता है लगाना होता है वो मैं लगा देती हूँ। क्योंकि और ये जो टब वगैरह है इनको भी मैं साग के साथ धोती हूँ क्योंकि अगर साग के साथ काम किया जाए ना तो चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती, ख़राब नहीं होती। और ये मेरी आदत शुरू से है, मतलब मेरी मम्मी के घर से ही है। शादी से पहले मम्मी हमेशा जब भी नहाती थी नहाने से पहले बाथरूम साफ करती थी और नहाने के बाद उसको सुखा कर उसका पानी क्लीन करके छोड़ती थी ताकि जब भी कोई आए तो उसको बाथरूम साफ और क्लीन मिले। आप मेरी हालत देख रहे होंगे, कपड़े धो लिए हैं मैंने और इस सूट में ना मैंने टिच बटन नहीं लगा रखा तो ये गला इसका भाग जाता है, मतलब हल्का सा सरक जाता है, पसीने में सूट चिपक जाता है ना तो सरक जाता है। कपड़े धो लिए और मेरी हालत ऐसी हो गई, मेरे सारे कपड़े ये देखो भीग गए हैं, ये देखो बहुत भीग गए हैं। इनको मैं चेंज कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। और मुझे ना साड़ी में ब्लॉग बनाओ कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई साड़ियाँ मेरी मतलब साड़ियाँ रेडी है लेकिन उनके ब्लाउजेस रेडी नहीं है। और अभी इतनी गर्मी है ना कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि लाइनिंग वाले ब्लाउजेस पहन पाऊँ, तो इसीलिए और साड़ी ब्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग मेरे दिल से उतर गए हैं और इस तरीके से उतरे हैं कि एक बार आप किसी को माफ़ कर दो ना किसी चीज़ के लिए, कोई गलती कोई कर दे तो उसको भूल जाओ तो वो डेफिनेटली दोबारा करता है, ये बात मैं आज अग्री करती हूँ। तो जो आपको ये एहसास कराए ना कि जो आपको देखकर कुंडी लगा ले दरवाजे बंद कर लेता है, उनको ये एहसास कराइए कि कुंडी दोनों तरफ होती है, ठीक है। कोई आपसे हालचाल पूछ ले, कोई मतलब आपसे बात कर ले अपना टाइम पास करने के लिए क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ टाइम पास करे कहाँ बात करे, तो लोग ना उसको भी मतलब का नाम दे देते हैं कि लोग मतलब ही है, दुनिया मतलब ही है। भाई मतलब निकालना पता किसे कहते हैं, कि आप अपनी ज़रूरत के टाइम आपसे मैंने पैसा लिया हो, आपको आपसे कुछ खाने के लिए लिया हो, या मेरे पास घर नहीं था मैं आपके घर में रह ली और अब मैं आपको एटीट्यूड दिखा रही हूँ। तो कभी कभी ना ऐसा होता है गाइस कि लोग ना गलत कुछ आपके साथ कुछ गलत करके भी आपका भला ही कर जाते हैं। तो हर बुराई में अच्छाई ढूंढिए, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, जिसके पास इज्जत नहीं होती वो इज्जत कभी नहीं देगा चाहे आप उसका सम्मान कितना भी कर लो। तो ये पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये सभी के साथ है, किसी के साथ भी ऐसी चीजें हो सकती है। सो गाइज मैंने ना एक पार्सल भी मंगाया था और इसमें क्या है ये ओपन करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलूंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।